वेलकम टू यू चैनल बिंदास स्टडीज। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कलंद्रिया संप्रदाय, आज हम देखेंगे मदारिया संप्रदाय। मदारिया संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। जो मदारिया संप्रदाय है उसके संस्थापक थे शेख बदीरुद्दीन शाह मदार, और इनकी जो तो शिक्षा का केंद्र था वो था कानपुर के निकट मानकपुर, और कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो और इनकी मृत्यु हो गई थी 1485 ईस्वी में। तो मदारिया संप्रदाय के संस्थापक शेख बदीरुद्दीन शाह मदार थे, और इनकी इनका जो केंद्र था वो था मानकपुर में। तो अगर हम सूफीज्म की बात कर रहे हैं तो हमें महदवी आंदोलन को जानना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम सूफीज्म की बात करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड आंदोलनों पे भी ध्यान देना होगा। तो जो महदवी आंदोलन है इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है पैगम्बर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। जो मुस्लिम मसीहा थे उनको महदी कहा गया। तो ये महदवी आंदोलन जो वर्ड यूज़ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो मुस्लिम मसीहा थे, मसीहा किसे कहते हैं, मसीहा वो लोग होते हैं मतलब जो दीन दुखियों गरीबों सबकी मदद करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उदारता और नैतिकता और दया ये सब भरी रहती है, उन्हें मसीहा कहते हैं। एक इन शॉर्ट में हम जैसे हम अगर हम कह दें कि अगर हम जैसे हम साईं बाबा का नाम लेते हैं या तो हम कहते हैं वो एक मसीहा थे। तो जो लोग भी इन गुणों के साथ पैदा होते हैं उन्हें मसीहा कहा जाता है। तो जो मुस्लिम मसीहा को महदी कहा गया, तो जो ये महदी वर्ड है वो मुस्लिम मसीहा के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर ये हिंदू मसीहा होगा तो उसके लिए महदी वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो जो महदवी आंदोलन का प्रारंभ होता है जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, और मुस्लिम मसीहा को महदी कहा गया। महदी का अर्थ क्या होता है? महदी का अर्थ है निर्देशित अथवा प्रदर्शित, या कह सकते हैं कि दूसरों को निर्देश देने योग्य, मतलब कि महदी उसे कहा जाता है जो दूसरों को निर्देश देने योग्य हो, मतलब जिनमें इतने गुण भरे हो कि वो इतनी सारी खूबियां भरी हो, इतना सारा ज्ञान भरा हो कि वो दूसरों को निर्देशित कर सके, उसे कहते हैं महदी। सुन्नियों के अनुसार पैगंबर के उत्तराधिकारी प्रथम चार खलीफा महदियान कहलाए। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो सुन्नी है मतलब जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है वो बेसिकली दो पार्ट्स में बटी हुई है, आप ये पूरे वर्ल्ड में दो पार्ट्स में बटी हुई है, ये है सुन्नी और शिया। तो मैं कास्ट की बात नहीं कर रही, जैसे सुन्नी और शिया में बहुत सारी कास्ट आएंगी, मैं बेसिकली दो कम्युनिटीज़ की बात कर रही हूँ जो पूरे वर्ल्ड में, जिसमें मुस्लिम दो जो मेन दो कम्युनिटीज़ हैं, एक है सुन्नी और एक है शिया। तो सुन्नियों के अनुसार पैगम्बर के उत्तराधिकारी जो पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे उनके जो उत्तराधिकारी थे प्रथम चार खलीफा जो हुए वो महदियान कहलाए। सुल्तान फिरोज तुगलक के समय रुक्न नामक एक व्यक्ति ने स्वयं को महदी कहा था। तो जो फिरोज तुगलक का टाइम था उसमें एक व्यक्ति होता है रुक्न, जिसका नाम था रुक्न, उसने स्वयं को महदी कहा था, इसी कारण उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। जो अब आप सोच रहे होंगे कि उसने खुद को महदी कह दिया तो फिर उसको मृत्युदंड क्यों दे दिया गया, क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हुए उन्हें महदियान कहा गया, और चूँकि मुस्लिम मसीहा को महदी कहते हैं तो ये बहुत ही ऊँचा पद हो गया। तो इसीलिए अगर कोई भी इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को महदी कहे तो ये थोड़ा सा मतलब कुछ जो रूढ़िवादी लोग हैं उनके थोड़े से खिलाफ है। तो इसीलिए फिरोज तुगलक के टाइम पे रुक्न नामक जिस व्यक्ति ने अपने आप को महदी कहा उसको मृत्युदंड दे दिया गया। जौनपुर के सैयद मोहम्मद ने महदी आंदोलन को नवजीवन प्रदान किया। जैसे कि महदी आंदोलन तो शुरू तभी हो गया था जब पैगम्बर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से, लेकिन उसको नवजीवन दिया, मतलब कि जैसे कोई भी आंदोलन अगर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो बीच में थोड़ा सा वो रुक सा जाता है, एक स्पीड से कोई आंदोलन नहीं चलता है, बीच जैसे थोड़े से अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो जो महदवी आंदोलन है वो जब शुरू होता है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से, तो फिर उसको जौनपुर के जो सैयद मोहम्मद हैं उन्होंने उसको दोबारा नवजीवन दिया, मतलब दोबारा जो थोड़ा सा ठप पड़ गया था उसको दोबारा से शुरू किया। और ये जो हमारे सैयद मोहम्मद हैं इनकी शिक्षा का केंद्र था अहमदाबाद, इन्होंने अहमदाबाद को अपने शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया और स्वयं को महदी घोषित किया। इन्होंने भी स्वयं को महदी घोषित कर दिया था, लेकिन इनका भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे ख्वंद मीर, मतलब सैयद मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे वो थे ख्वंद मीर। और ये महदी आंदोलन तो को हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये सूफिज़म और कुछ
संतों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सूफिज्म में सूफिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसके दो संप्रदाय और बच रहे हैं जो हम देख लेते हैं, जो बहुत छोटे छोटे हैं। एक है रोशनिया संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे वाइजिद अंसारी, और दूसरा है कुब्रबिया संप्रदाय। ये कश्मीर में सक्रिय था। मतलब अगर आपके लिए कभी सवाल आ जाए कि जो कुब्रबिया संप्रदाय है वो कहाँ पे सक्रिय था, तो कश्मीर में था। या कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कुब्रबिया संप्रदाय का केंद्र कहाँ था, तो कश्मीर में था। और इसके जो प्रमुख संत थे वो थे मीर सैयद अली हमदानी। तो मीर सैयद अली हमदानी कुब्रबिया संप्रदाय के प्रमुख संत थे। तो आज हमारा सूफिज़्म के जितने भी संप्रदाय थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। हमने अपने सूफिज़्म में सारे उन संप्रदायों को पढ़ लिया जो इम्पोर्टेंट थे, जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट थे हमने उनको भी देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि नव सूफीवाद क्या होता है। थोड़ा सा ये टर्म नया सा है कि आपने सूफिज़्म तो सुना होगा कि सूफिज़्म क्या होता है, बट नव सूफीवाद क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सी यू देन, टेक केयर, बाय।